रेसिपी देखने के बाद पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर क्लिक करें जिससे नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। हम लोग जब दूध उबालते हैं तो दूध हम कैसे उबालें जो बहुत अच्छी मोटी मलाई जमे। अक्सर हम क्या करते हैं, दूध का पतीला जब हम गैस पे रखते हैं तो स्लो रख देते हैं गैस पे कि ठीक है आराम से, जब थोड़ा सा ऊपर आने लगेगा हम गैस बंद कर देंगे। लेकिन दूध हम क्या करते हैं, कई बार टोन लेने की कोशिश करते हैं कि टोन मिल्क चाहिए, कौन मलाई खाता नहीं है। पर अगर आप टोन घर में बनाएं वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फुल क्रीम दूध ले लीजिए और इस तरीके से खाली उबालिए, ये बीच में ये जो उबल रहा है ना ये उबलना बहुत ज़रूरी है। अगर ये ऐसे उबलेगा ना तो उसके बाद आप जब रख देंगे दूध को तो क्या होगा कि इतनी बढ़िया मलाई जम जाएगी, ये अपने आप ही दूध टोंड हो जाएगा। तो टोंड में मिल्क आप बाहर से ना लेके इसकी मलाई आप घर में रखिए और उसकी आप मक्खन दूध घी निकालिए, वो ज़्यादा अच्छा है। तो दूध को हमेशा इस तरीके से उबालना चाहिए जिससे वो बहुत अच्छे से मलाई निकल जाए। नमस्कार, मसाला किचन में आपका स्वागत है। अभी हम बनाएंगे आपके सामने क्रीम जो कि बिल्कुल घर के दूध से। जैसे अभी हमने थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको अमूल क्रीम कैसे बनाएं और जो नॉन डेयरी क्रीम जो आती है किसी भी कंपनी की हो हमने उसको कैसे बनाया वो आपने देखा। लेकिन कभी कभी जब कभी कोई भी क्रीम हमारे घर में ना हो और हमारे घर में सिर्फ दूध हो तो दूध से हम कैसे क्रीम बनाएं। जैसे अक्सर हमें सब्जियों में डालने के लिए क्रीम चाहिए होती है, हम अमूल क्रीम लेते हैं और अमूल क्रीम लेते हैं लेकिन क्या होता है कि उसकी एक्सपायरी डेट तो काफी दिन होती है, लेकिन क्या होता है कि जैसे हमने ओपन किया उसको, ओपन करने के बाद वो 2 या 3 दिन ही चलती है, उसके बाद आप फ्रिज में भी रखोगे उसमें स्मेल आने लगती है। तो कई बार हमारा वो डब्बा खराब हो जाता है। जैसे हमारा तो बहुत यूज होता है तो खराब नहीं भी होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपने जैसे वीक में एक बार कोई रिच सब्जी बनाई उसके लिए आपने अमूल डब्बा खोला, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि 2 चम्मच निकालने के बाद वो क्रीम आपकी जल्दी यूज की किसी चीज में तो ठीक है, वरना वो खराब हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन कई बार आती है। तो आपको घर के दूध से कैसे क्रीम बनाना आनी चाहिए, उसको व्हिप्ड कैसे करें, उसको सब्जियों के लिए कैसे बनाएं, क्योंकि व्हिप्ड की कंडीशन थोड़ी अलग होती है, सब्जियों में डालने के लिए थोड़ी अलग होती है, और दूध में हम मलाई कैसे जमाएं, कैसे हम करें, मतलब जो फुल क्रीम हम दूध लाते हैं उसको हम टोन कैसे करें, इसमें बहुत सारी चीजें हम आपको सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने ये देख लिया कि दूध को हमने कैसे उबाला, उबालने के बाद उसको अच्छे से उबाल के हमने उसे ठंडा किया, देन उसके बाद हमने फ्रिज में रखा ओवरनाइट। जब दूध में दूध को हमने फ्रिज में रखा पतीले को, तो उसके बाद आते हैं अब ये ठंडा हो चुका है, इसको कैसे निकालें मलाई, कैसे निकालें क्रीम और कैसे उसे करें व्हिप्ड। दूध को जब हम उबालते हैं, थोड़ा अच्छे से उबालते हैं, तो उससे क्या हो जाता है कि उसमें जो है मलाई की बहुत मोटी मलाई, मतलब रोटी जैसी मोटी मलाई निकलती है। ये देखिए किस तरीके से ये मलाई निकल रही है, आपने देखा बहुत अच्छे से ये मलाई निकलती है। और फिर क्या होता है, ये दूध जो है ये टोंड हो जाता है। अब इसमें से पूरा फैट निकल चुका है तो ये दूध जो है टोंड हो गया और अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें दही जमा सकते हैं, शेक बना सकते हैं, चाय में बना सकते हैं, दूध पी सकते हैं। अब आपके पास ये इतनी मोटी मलाई है, अब इसको हम थोड़ी देर वेट करते हैं और इसका जो है हम क्रीम अलग करेंगे और इस मलाई से हम फैट अलग करेंगे। क्योंकि नॉर्मली जब हम इस मलाई को फेंटते हैं तो इसमें पूरा पूरा फैट होता है, पर जब हम किसी केक के लिए चाहिए या सब्जियों के लिए चाहिए तो हमें मलाई पूरी मलाई नहीं चाहिए होती है, वो बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, बहुत फैटी होती है, उसे डबल फैट कहते हैं। तो हमें वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिंगल फैट, जैसे लो फैट जिसको लो फैट कहते हैं, सिंगल फैट कहते हैं। दूध में हम सब्जियों में दालों में कई में हम मलाई क्रीम डालते हैं, तो हम कैसे उस क्रीम को यूज़ करें। अब हमें करना क्या है, देखिए इसको धीरे धीरे एक छन्नी में डाल के धीरे धीरे आप इसको चम्मच से, बहुत जोर से नहीं, धीरे धीरे ऐसे छानते जाइए। जैसे हम घर में मलाई रखते हैं ना, रखते जाते हैं फिर 8 दिन बाद हम उसका घी निकालते हैं, वो मैंने वीडियो बनाया है। लेकिन
तब तो हम पूरी सीधी उठा के उसमें बॉक्स में रखते जाते हैं, लेकिन अभी निकालनी है हमें क्रीम, तो हमें पूरी डायरेक्ट मलाई भी नहीं चाहिए, तो इसे हमें धीरे धीरे छानना है। ये इस तरीके से आपको करीब करीब 75% नीचे क्रीम आ जाएगी, और जो ऊपर का ये जो है ये पार्ट, ये बिल्कुल डबल फैट हो जाएगा। ये जो पार्ट है ना, ये प्योर मलाई है, जैसे गाढ़ी मलाई, बिल्कुल ऑयली वाली मलाई, जब हम जिसमें घी निकालते हैं। तो इससे हमें क्रीम को हटाना है, क्योंकि हमें क्रीम जो चाहिए थोड़ी लो फैट वाली क्रीम चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा मक्खन वाली क्रीम नहीं चाहिए होती है। तो बस हमने 70% करीब नीचे ले लिया और ये 25% करीब रख दिया। अब इसे तो हम डब्बे में रखते हैं जिसमें हम मलाई रखते जाते हैं। अब जो ये एक्स्ट्रा फैट है इसको हम हटा देते हैं, मलाई के डब्बे में रख देते हैं, और जो नीचे आ गया है वो एक्चुअली क्रीम, जो लाइट हमें सब्जियों वगैरह के लिए चाहिए होती है। सब काम ना आपको फ्रेश मलाई से ही बनाना है, ऐसा नहीं कि आपके पास डब्बे में मलाई पड़ी और आप क्रीम अलग कर रहे हो, वो बिल्कुल भी नहीं होगा। इससे बस आप बटर निकाल सकते हो, घी निकाल सकते हो, लेकिन इससे आप क्रीम नहीं बना सकते। क्रीम आपको हमेशा ताजी मलाई की बनानी है। जब भी आपको क्रीम बनाने का मन है या कई जरूरत है, पुडिंग बनाना, कुछ भी करना, तब आप ताजे दूध की ही मलाई हटाएं। अब देखिए मलाई हमने हटा दी, हमने टोन मिल्क कर दिया, और अब ये हमारे पास है क्रीम। अब यदि हमें सब्जियों में, दालों में, सूप में डालना है तो हम ये क्रीम यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम अमूल क्रीम को निकालते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अब यदि हमें किसी के लिए हमें आइसिंग करनी है तो हम इसे अब बीट करेंगे। बीट करने के तरीके वैसे तो मैंने कई बार आपको दिखाए हैं, दो बार दिखाई दिए हैं इस अभी जो वीडियो बनाया था, लेकिन फिर भी क्या होता है कि लाइट वाले इलेक्ट्रिक से बीटर से भी हो जाती है और नॉन बीटर से भी हो जाती है, तो अभी तो हम बीटर से करेंगे क्योंकि हमें टाइम थोड़ा कम है, तो मैं आज बीटर से ही करके दिखाती हूँ कि कैसे ये क्रीम बन जाएगी। क्यों के लिए चाहिए तो हम बस ऐसे ही निकाल के यूज़ करें, और यदि हमें किसी पुडिंग के लिए या केक के लिए चाहिए तो हम इसको कैसे बीट करें। इसलिए इसको बना रही हूँ क्योंकि ये ठंडा है, बिल्कुल दूध ठंडा है, मलाई जो है, क्रीम जो है ठंडी है। वैसे आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हो, इसको थोड़ा चिल्ड जितना होगा उतना जल्दी बन जाएगा। ये देखिए गाढ़ी होने लगी है, 2 मिनट हो गए हैं, और ये देख रहे हैं क्रीम कितनी गाढ़ी हो गई है। ये बिल्कुल इसका सॉफ्ट पीक है, बस थोड़ा सा और करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, ध्यान रहे बहुत ज़्यादा नहीं, और ये विस्कर से हो जाएगा। ये देखिए ये तैयार हो गई, इसको सॉफ्ट पीक कहते हैं। अब जब सॉफ्ट पीक हो जाता है तब हम इसमें डालते हैं चीनी। मैं डाल रही हूँ पिसी चीनी, 2-3 ड्रॉप्स वेनिला एसेंस डाल रही हूँ। ये है क्रीम का स्टिफ पीक, ये स्टिफ पीक जो होती है तब आप इसकी आइसिंग कर सकते हैं। ये देखिए ये इतनी सारी क्रीम निकल आई, और हमने फैट भी अलग हटा दिया, दूध को हमने टोन कर दिया, तो बताइए एक ही दूध से आपने क्या कुछ नहीं किया। दूध आप पीने लायक रखा है क्योंकि हमें इतना ही ज़्यादा चाहिए होता है, इतना मलाई वाला दूध पिया भी नहीं जाता, चाय भी हमें इसी दूध से ही पसंद आती है, ठीक है। उसके बाद आपने मलाई का जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो भी आपने निकाल दिया, वो आप घी वगैरह निकाल लेंगे, और आपने क्रीम बना लिया। 1 से 1.5 किलो मेरे पास दूध था, उसका कितना अच्छा आपने क्रीम बनाया है, और इसमें थोड़ी सी शुगर और डलेगी, थोड़ी सी कम लग रही है, आप टेस्ट करके देख सकते हैं। और ये आप बनाइए इसकी क्रीम, अब मज़े लीजिए। अब आप इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, किसी में भी आपको व्हिप्ड क्रीम चाहिए या दूध, ये मतलब सब्जियों में डालने के लिए क्रीम चाहिए, तो बस आप दूध को उबालिए अच्छे से और उसकी मलाई जमाइए, और उसको किस तरीके से आपको निकालना है। कई लोग तो आपने वीडियो में देखा होगा कि मलाई कोई बीट करके कह देते हैं कि इससे क्रीम बन गई, पर उससे क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है, आप किसी भी सब्जी में डालोगे ना वो ऑयली ऑयली हो जाएगी। जब आप अमूल क्रीम निकालते हो
तो वो ऑयली नहीं होती है। तो आपको इसी मेथड से क्रीम को अलग करना है, फैट को अलग करना है, और आप इस तरीके से जब आप इसमें चीनी डाल देते हो इसको, और इसको बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना है, और आपको इसको हैंड विस्कर से भी बीट कर सकते थे, सिर्फ 2-3 मिनट ज़्यादा लगते हैं। आज मेरे को बहुत सारे वीडियो बनाने हैं तो मुझे थोड़ा टाइम कम था, तो बस मैं आपके लिए ये बनाकर लाई हूँ। अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो ये मीठी है पर मुझे थोड़ी सी कम मीठी लग रही है, तो आप इसमें थोड़ी सी चीनी और मिक्स कर दीजिए और बस बना लीजिए। जो भी आपको केक बनाना है या जो भी आपको किसी में भी पुडिंग के लिए या किसी के लिए भी व्हिप्ड क्रीम चाहिए, यूज़ कीजिए, और ताज़ी ताज़ी यूज़ करेंगे बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, बस रखने का कोई टेंशन ही नहीं। तो आप 1 से 2 दिन तक फ्रिज में रख के यूज़ कर सकते हैं, एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख दीजिए। इन केस आपका यूज़ नहीं हुआ तो ये मीठा एक तरीके से है, तो बहुत सारी चीज़ों में आपका यूज़ हो जाएगा। जैसे आप रोटी में मीड के इसके लड्डू बना सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, और ब्रेड में लगाकर ब्रेड के सैंडविच बना सकते हैं, तो ये ख़राब नहीं होगी, तो आपका यूज़ हो जाएगा। देखिए व्हिप्ड क्रीम तैयार है, और आप इसे यूज़ कीजिए नोज़ल में, डिस्पोजेबल बैग में, या घर के कोन बना लीजिए जो दूध की थैलियाँ आती हैं, और बढ़िया आप केक की आइसिंग कीजिए, पुडिंग बनाइए, इंजॉय कीजिए, अब कोई टेंशन नहीं है। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।